ईरान के दुश्मनों से दोस्ती कर रहा इजराइल, खाड़ी देशों के साथ बना रहा खतरनाक स्क्वाड। ईरान से तेजी से बढ़ते परमाणु बम प्रोग्राम से इजराइल समेत अधिकतर खाड़ी देश परेशान है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां तक कह दिया था कि उनका देश तेहरान को परमाणु हथियारों तक पहुंच से रोकने के लिए सब कुछ करेगा, जिसके बाद इजराइल की पहल पर ईरान विरोधी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन एक साथ मिलकर डिफेंस अलायंस बनाने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूएई और बहरीन के साथ इजराइल की अब्राहम संधि के बाद मध्य पूर्व के देशों में रणनीतिक हालात एकदम बदल गए हैं। भले ही सऊदी अरब ने आज तक इजराइल को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, फिर भी वो इजरायली खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ रक्षात्मक तैयारियों में जुटा हुआ है। वैसे आपको बता दें कि इजरायल की स्थापना के बाद लंबे समय तक खाड़ी के देशों ने इसे न तो मान्यता दी थी और न ही इस देश के अस्तित्व को स्वीकारा। यहां तक कि कई बार इजरायल को अपने दुश्मन देशों की संयुक्त सेना के साथ युद्ध तक कर लड़ना पड़ा था। इसमें 1967 में हुए सिक्स डे वॉर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें इजरायल ने 6 दिनों में मिस्र, सीरिया, जॉर्डन की सेनाओं को हरा दिया था। इस युद्ध में लेबनान और पाकिस्तान ने भी अरब देशों को रक्षा सहयोग मुहैया कराई थी, लेकिन बावजूद इसके इजराइल जीतने में कामयाब रहा। तेजी से परमाणु बम की सामग्री बना रहा ईरान। इजराइल के साथ जारी तनाव के बीच ईरान तेजी से परमाणु हथियारों में प्रयोग किए जाने वाले यूरेनियम को बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने अपने सीक्रेट रिपोर्ट में कहा है कि ईरान ने नेटांस के यूरेनियम संवर्धन केंद्र में उन्नत IR-2M सेंट्रीफ्यूज की 3 और क्लस्टर स्थापित की हैं। किसी भी हवाई बमबारी का सामना करने के लिए इस क्लस्टर को स्पष्ट रूप से भूमिगत बनाया गया है। कुछ महीने पहले ही ईरान के परमाणु संयंत्र पर इजरायली विमानों ने हमला किया था। इसी डर से ईरान अब अपने सभी सामरिक ठिकानों को जमीन के अंदर बना रहा है। ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते में कहा गया कि तेहरान केवल पहली पीढ़ी के IR-1 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर सकता है। ये सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम को बहुत धीरे धीरे परिष्कृत करता है। वर्तमान में जिस IR-2M सेंट्रीफ्यूज को स्थापित किया गया है वो तेजी से यूरेनियम को परिष्कृत करता है। IAEA ने चिंता जताते हुए कहा है कि इससे ईरान बड़ी तादाद में परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को जमा कर सकता है। इजराइल सीक्रेटली बना रहा परमाणु हथियार। एक ओर जहां ईरान खुफिया तौर पर परमाणु हथियार डेवलप करने में लगा है, तो वहीं इजराइल भी परमाणु हथियार बना रहा है। हालांकि बहुत से एक्सपर्ट मानते हैं कि इजराइल के पास पहले से ही हथियार है, लेकिन हाल ही में समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने सैटेलाइट तस्वीरों को जारी कर कहा कि पिछले कई दशकों में इजराइल की सबसे बड़ी परमाणु निर्माण परियोजना है जो डिमना शहर के पास शिमोन पेरेज नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में एजिंग रिएक्टर से सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है। शिमोन पेरेज नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में ही इजराइल के पहले परमाणु बम को बनाया गया था। यहाँ अंडरग्राउंड लेबोरेटरीज की पूरी चेन स्थापित की गई है। यहाँ के रिएक्टर्स इसराइल के परमाणु हथियारों के कार्यक्रम के लिए हथियार बनाने के लिए प्लूटोनियम का उत्पादन कर रहे हैं। एजेंसी ने कहा कि निर्माण किस लिए किया गया है इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि इजरायली सरकार ने भी अभी तक इसे लेकर पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इसराइल के पास परमाणु हथियारों को लेकर कोई भी स्पष्ट नीति नहीं है, इस वजह से इसराइल परमाणु हथियारों के होने की न ही पुष्टि करता है और न ही इनकार करता है। ये भारत और पाकिस्तान समेत उन 4 देशों में शामिल है जिन्होंने अभी तक परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस संधि का उद्देश्य दुनिया भर में परमाणु हथियारों के बढ़ते जखीरे को रोकना है।